Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. Perfect Mamar Ansari, aap sabhi logo ka ek khiladi sab pe bhari, khiladi Kumar, Akshay Kumar ki film Sooryavanshi ke 10 dinon ke official box office collection episode mein tahe dil se hardik swagat karta hu. Kya ho raha hai mera bhai? Mubarakbad dena chahunga puri ki puri Sooryavanshi team ko. The trade has declared Sooryavanshi an official hit at the Indian box office. Yes friends, ye film हिट टैग जो है वो लेकर जा चुकी है एंड अब ये सुपर हिट टैग लेने के कगार पर है. बहुत जल्दी आई थिंक दूसरा हफ्ता खत्म होते होते सूर्यवंशी विल बी डिक्लेयर्ड अ सुपर हिट एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस. यस, अब क्या वो ब्लॉकबस्टर होती है या नहीं होती इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा. 200 करोड़ के लिए ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म नहीं हो सकती. लेकिन गाइज ये समय इतना क्रूशियल है, इतना इंपॉर्टेंट है एंड इतने कलेक्शंस भी आना बहुत बड़ी बात है. जब आने वाली फिल्में जितनी भी है, चाहे वो सत्यमेव जयते 2 हो, अंतिम हो, तड़प हो, चंडीगढ़ कड़े आशिकी हो, हाँ इवन 83 हो, जब ये फिल्में आएगी एंड तब उनके कलेक्शन इससे कंपेयर होंगे तब आपको एहसास हो जाएगा कि सूर्यवंशी हैज परफॉर्म्ड लाइक फिल्म्स डू इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. दीज वर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स विद महाराष्ट्र 50% एंड बाकी बहुत जगह 50% थी. यस, बाकी सब फिल्में जब आएगी तब तक आई थिंक 100% ऑक्यूपेंसी मिल जाएगी. सूर्यवंशी वॉज द पर्सन विच ओपन द गेट्स फॉर बॉलीवुड एंड इंडियन सिनेमा. चलिए गाइस एपिसोड शुरू करते हैं. बस फ्रेंड्स, 10वां दिन जो था ऑल इम्पोर्टेंट संडे, सुबह मैंने आपको प्रेडिक्शन दे दिया था 13 से 14 करोड़ फिल्म कमाएगी. ट्रेड ने प्रेडिक्शन दिया 14 करोड़ एंड फाइनली द प्रोड्यूसर फिगर हैज अराइव्ड एंड प्रोड्यूसर्स हैव गिवन अ गुड फिगर 13.39 करोड़. यस फ्रेंड्स, 13.39 करोड़. कल रात को मैंने बोला था 13 या 14 के बीच में ये फिल्म कमाएगी एंड वही हुआ, 13.39 करोड़ ऑफिशियल फिगर है. इसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम सूर्यवंशी, 150 करोड़ का जो मैजिकल आंकड़ा है जो बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. वो फिल्में जो इससे ज्यादा स्क्रीन काउंट में रिलीज हुई थी, इससे ज्यादा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में रिलीज हुई थी, उनको पीछे छोड़ते हुए ये फिल्म ने 151.23 करोड़ का बहुत ही जबरदस्त बिजनेस किया है. यस फ्रेंड्स, 151.23 करोड़ इस जमाने में कमाना कोई आम बात नहीं है. इसी के साथ पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 120.66 करोड़ कमाए थे. दूसरा वीकेंड यानी कि डे 8 डे 9 डे 10, 3 दिनों का जो सेकेंड वीकेंड था वहां पे फिल्म ने 30.57 करोड़ रुपीज की कमाई है वो कर दी थी. एंड गाइस बात करें यहाँ पे ऑल लैंडमार्क्स की, इसने 50 करोड़ सिर्फ 2 दिन में, इसने 100 करोड़ सिर्फ 5 दिन में एंड इसने 150 करोड़ सिर्फ 10 दिन में तोड़े है. दीज आर कलेक्शन विच फिल्म्स, बिग फिल्म्स अर्न इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. प्री कोविड के टाइम पे ऐसा होता था. एंड गाइस दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर एन अक्षय कुमार फिल्म एंड सीरियसली दिस फिल्म हैज आउट परफॉर्म एवरीथिंग पॉसिबल. अब सभी लोगों को पता है आज इसका 11वां दिन है. सुबह मैंने कहा है इसका जो प्रेडिक्शन है 11वें दिन का, वो कहीं ना कहीं ये फिल्म 3.5 से 4 करोड़ जो है उसकी कमाई करेगी. लेट्स सी, रात को जो मिलेंगे फाइनल प्रेडिक्शन एपिसोड में तब आपको मैं इसका ओवरसीज जो कलेक्शन है वो बताऊंगा, वर्ल्ड वाइड 10 दिनों तक कितना हुआ है वो बताऊंगा एंड रात का प्रेडिक्शन बताऊंगा. आई होप गाइज आज का एपिसोड आप सभी लोगों को पसंद आया होगा. सुबह टीजर आया है पृथ्वीराज का, उसका जो ब्रेकडाउन है वो इसके बाद आने वाला है. अनफॉर्चुनेटली बहुत बिजी चल रहा था एंड वो एपिसोड को बहुत वक्त लगा है. ओके, इसके बाद पृथ्वीराज का ब्रेकडाउन आ रहा है तो मिस मत कीजिएगा. सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इन दैट वीडियो कमिंग अप. स्टे कूल मैन.